प्रश्न नंबर बारह अ पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर्ड टू द अदर ओल्डर इंडिविजुअल्स वट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स एक जनसंख्या में यंग इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो वृद्ध वृद्ध इंडिविजुअल्स से ज़्यादा है तो बताइए कि कुछ सालों बाद जनसंख्या का स्तर कितना रहेगा ऑप्शन वन इट विल डिक्लाइन ऑप्शन टू इट विल स्टेबलाइज वो सामान्य रहेगा ऑप्शन थ्री इट विल इंक्रीज वो बढ़ेगा ऑप्शन फोर इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज वो पहले घटेगा और फिर सामान्य हो जाएगा तो पहले यहाँ पे एक लॉजिक समझिए कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं ओल्डर इंडिविजुअल से तो जाहिर सी बात है कि जो यंग इंडिविजुअल के पास जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो आने वाली है या आ चुकी है तो आगे जो उनकी आने वाली जेनरेशन होगी वो उनसे भी ज़्यादा डबल नंबर में होगी और अगर कोई भी पॉपुलेशन डबल नंबर में होती है तो वो इंक्रीज हो रही होती है जबकि ओल्डर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खो चुके हैं तो यहाँ पे वो इस रिप्रोडक्शन पार्ट में पार्ट नहीं ले पाएंगे और अब उनकी बस डेथ कुछ दिनों में ही हो जाएगी तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड इट विल इंक्रीज अ पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल्स इट विल इंक्रीज द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स तो इसका जो एज पिरामिड है वो कुछ इस तरह से बनेगा दैट इज इन्वर्टेड ये इस तरह से ये जो है ये यंग इंडिविजुअल्स के लिए है और ये जो है ये ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए है